मेरे जाल से बच नहीं सकता। मैं तुझे अभी कैद करता हूँ। से मिलना चाहता हूँ। आबिदा और आमिल बेगुनाह है। मैं उन बेगुनाहों को मौत की सजा से बचाना चाहता हूँ। खुदा के लिए मुझे हाकिम आला से मिला दो। उनसे जाकर कहो कि जिशान आया है, गुनेगार जिशान आया है, गुनेगार। जाओ बिरादर जाओ। सुनो बिरादर जिशान, तुम्हारा एहसान होगा बिरादर, एहसान होगा। जाओ। सुनो बिरादर सुनो, हाकिम आला इस वक्त महल में नहीं है। नहीं है? हाँ बिरादर जिशान, वो शहर रमला गए हैं। शहर रमला गए हैं? कब आएंगे बिरादर, कब आएंगे? कुछ मालूम नहीं। कुछ मालूम नहीं? कुछ मालूम नहीं तो मालूम करो बिरादर, मालूम करो। हाफिता और आमिल की जिंदगी का सवाल है, वो दोनों बेगुनाह है। बताओ बताओ, वरना परसों उन्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। बताओ, सिर्फ सिर्फ कल का दिन बीच में है। बताओ, खुदा के लिए बताओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता बताओ, बताओ बिरादर। हम चाहते हैं कि वो बेगुनाह इंसान मौत से बच जाए, लेकिन खुदा की कसम किसी को कुछ मालूम नहीं कि वो शहर रमला से कब आएंगे। हाँ, अगर दारोगा जिंदान से मिलकर तुम फरियाद कर सको तो शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। हाँ, 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 हाँ। अच्छा दारोगा जिंदान, अच्छा अच्छा। ऐ दारोगा जिंदान, तेरे कैद खाने में आमिल बुजुर्ग और आबिदा दो बेगुनाह इंसान है जिन्हें मौत की सजा होने वाली है। वो सजा उन्हें तूने दिलवाई है जिशान। लेकिन अब मुझे मालूम हुआ मैं गलती पर था। आबिदा बार बार मुझे खबरदार करती रही, लेकिन मेरी आंखों पर सोफोनिस्बा के नापाक हुस्न के ऐसे पर्दे पड़े हुए थे कि सोफोनिस्बा के अलावा मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता था। मुझे सोफोनिस्बा सच्ची और सारी दुनिया झूठी नजर आती थी। इसीलिए आबिदा और आमिल को कातिल समझकर मैंने हाकिम आला के सामने सबूत पेश किए और उन्हें मौत की सजा दिलवाई। तो फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आबिदा और आमिल बुजुर्ग बेगुनाह हैं? इमरान, मेरा छोटा भाई इमरान, सोफोनिस्बा ने उसे भी मार डाला और मरते हुए इमरान ने मुझे सब कुछ बता दिया। यह सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। हाँ, हाँ, मैं मुजरिम हूं, मैं कातिल हूं। एक गंदी औरत के हुस्न में इतना अंधा हो गया था मैं कि मैंने आबिदा जैसे जन्नत की हूर को ठुकरा दिया और जहन्नुम की सजा पाने वाली औरत से शादी कर ली। मैं अपने आप को इतना गिरा हुआ जहील इंसान समझता हूं कि आबिदा और आमिल बुजुर्ग से नजरें मिलाना तो दूर, मैं उनके पैरों की मिट्टी को भी सर से लगाने के लायक नहीं हूं। तुम्हें फौरन हाकिम आला से मिलना चाहिए। लेकिन हाकिम आला बाहर गए हुए हैं और ये मालूम नहीं कि वो कब वापस आएंगे। अगर उनके आने में देर हो गई तो दो बेगुनाह इंसानों को मेरी वजह से मौत की सजा दे दी जाएगी। जब तक हाकिम आला ना आ जाए, मौत की सजा को रुकवा दो। नहीं जिशान, मुझे अफसोस है, सजाए मौत को रुकवाने या उसे देर से दिलाने का इख्तियार मुझे नहीं है। मैं तो सिर्फ हाकिम आला के हुक्म का गुलाम हूँ। ऐ रहम दिल दारोगा जिंदान, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुझसे रहम की भीख मांगता हूँ। अल्लाह की राह में ये नेकी कर दे, अल्लाह इस नेकी का फल तुझे जरूर देगा। तुझे बेगुनाह इंसानों की जिंदगी बचा ले, बचा ले इंसानियत के मुहाफिज, बचा ले। तेरा एहसान मुझ पर, इंसानियत पर, कानून और इंसाफ पर एहसान होगा। इस वक्त मौत के भंवर में फंसी हुई दो बेगुनाह इंसानों की जिंदगी का ना खुदा तू है, तू है ना खुदा। बचा ले उन्हें, बचा ले। मैं उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा, ये मेरा एहसान नहीं, मेरा फर्ज है। सच्चाई, बेगुनाही, इंसाफ
और इंसानियत की खिदमत है। ऐ गुमराह गुनहगार इंसान, तुझसे मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। मैं सिर्फ उन दो बेगुनाहों के लिए वहां जाऊंगा जहां हाकिम आला हैं, और मौत की सजा के वक्त से पहले उन्हें लेकर यहां आऊंगा। लेकिन उस वक्त तक तुम कत्ल के सबूत, चश्मदीद गवाह और कातिल को पकड़कर यहां लाओगे। अगर तुम सबूत और कातिल को पकड़कर नहीं ला सके तो मौत की सजा को मैं तो क्या, खुद हाकिम आला भी नहीं बदल पाएंगे। मैं सबूत भी लाऊंगा और कातिल को भी लाऊंगा। कातिल मेरे घर में कैद है। तुम उसे लेकर आओ और मैं हाकिम आला को लेकर आता हूँ। खादिम। जी हुजूर। हमारी सवारी का इंतजाम करो। मेरे भाई, इमरान की लाश कहाँ है? सोफोनिस्बा, सोफोनिस्बा भी नहीं है। कहाँ है सोफोनिस्बा? जादूगर सपेरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी मौत का परवाना, तेरे कातिल होने का सबूत, वो तिलस्मी इकरारनामा आबिदा का तोता लेकर उड़ गया है। मैंने उसे जाल में फंसा लिया था, वो यही इसी जगह पर गिरा है। उसे तलाश कर रहा हूँ। तलाश कर, जल्दी तलाश कर। अगर आबिदा का तोता वो तिलस्मी इकरारनामा हाकिम आला के पास ले गया और आबिदा ने अपने रूहानी इल्म से उसे खत बना दिया ताकि हाकिम आला उसे पढ़ ले, तो सोफोनिस्बा को कोई नहीं बचा सकता। आबिदा और आमिल के रूहानी जलाली इल्म के सामने मेरा जादू बेकार हो जाएगा। तो आओ आबिदा के उस जासूस तोते को तलाश करते हैं। आबिदा का वो जासूसी तोता आबिदा की तरह रूहानी जलाली पाक इल्म को अमल करता है, वजीफे पढ़ता है। तब तो उस तोते को जरूर पकड़ना चाहिए, वरना वो सोफोनिस्बा को ही नहीं मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है, दुश्मन के हाथों में फंसा सकता है। आओ तलाश करें उसे। ये अल्लाह मेरी मदद कर, मुझ पर रहम कर। ऐसा कुछ कर दे कि मैंने दिखाई ना दो। रुको, मेरा जादू ये कहता है कि वो तोता आबिदा का जासूसी तोता यही कहीं आसपास छुपा हुआ है। ऐ जादूगर निमरिखा, ऐ जादूगर सपेरे, तुम उस जासूस तोते को तलाश कर रहे हो और मौत मुझे तलाश कर रही है। अभी ये मुझे उस जिशान की कैद से छुड़ा कर लाई है। जिशान मुझे गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाने के लिए अपने घर पहुंचा होगा, और जब उसने मुझे वहां नहीं देखा होगा तो वो मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा, और वो मुझे पकड़कर आमिल कामिल, आबिदा और हाकिम आला के हवाले कर देगा। तो फिर तुम दोनों का जादू भी मुझे नहीं बचा सकेगा, और फिर मेरा वही अंजाम होगा जो मैंने ख्वाब में देखा था। तूने बिल्कुल ठीक कहा सोफोनिस्बा, मौत तेरी तलाश में है, और अगर मौत ने तुझे पकड़ लिया तो हम भी पकड़े जाएंगे।
और फिर मौत के पंजे से हमें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। तोते के पास जो तिलिस्मी खत है वो भी दुश्मन के हाथ में लगे, इसीलिए मैं यहाँ एक पहरेदार बिठा देता हूँ। क्या काम है उससे? यहाँ पहरा दे और आबिदा का जासूसी तोता जैसे ही नजर आए उसे पकड़ लेना। पकड़ लूं या खा भी लूं? हाँ, तू खा भी सकता है, लेकिन वो तिलिस्मी खत हमें लाकर दे देना। अच्छा सफेरे जादूगर, तूने जैसा कहा वैसा ही होगा। सोफोनिस्बा और जादूगर सपेरे, तुम दोनों जाकर खूनी जंगल में छुप जाओ। कातिल औरत बदरू सोफन इस्बा को कहां ढूंढूं? मैं कहां ढूंढूं? आधा दिन तो गुजर गया, अब सिर्फ आधा दिन और एक रात बाकी है। कल सुबह तो जिंदगी और मौत का फैसला हो जाएगा। उसे कहां ढूंढूं मैं? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, कहां जाऊं मैं? निशान, क्या बात है? आज बिस्तर से जल्दी उठ गई और यहां कहां घूम रही हो? बात क्या है? निशान, दिमाग परेशान था, दिल में सुकून नहीं था। ऐसी बदरूहें बुरी जगहों पर ही छुपती है ताकि वहां कोई न जा सके। वो जरूर उस खूनी जंगल में होगी जहां एक बार रात को सोफोनिस्बा मुझे मिली थी। क्या खबर है हकीम आला की? कोई खबर नहीं है। खुदा करे दरोगा जिंदान हाकिम आला तक पहुंच गया हो। अगर पहुंच गया होते तो अब तक उन्हें हाकिम आला को लेकर यहाँ आ जाना चाहिए था। हाँ, यही तो फिक्र की बात है कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। ये तो बहुत फिक्र की बात है, तुम्हारे भाईजान अभी तक वो तिलिस्मी खत लेकर क्यों नहीं आए? तिलिस्मी खत लेकर नहीं आया, पता नहीं क्या बात है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गया हो, वरना अभी तक जरूर पहुँच जाता। जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है, खुदा खैर करे। शाम हो रही है। अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला। शाम हो गई, कल की रात गुजर गई, आज का सारा दिन गुजर गया, आज सिर्फ रात बाकी है। मुझे ये सबूत तिलिस्मी खत लेकर किसी भी तरह रात खाने में पहुंचाना है। मुझे पता नहीं ईशान को सोफोनिस्बा मिली या नहीं, सूरज डूबने वाला है, या अल्लाह मेरी मदद कर। तावीज़े जलानी है, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जलाना, मुझे जलाना नहीं। तो बता, बता, बदरूह डाइन सोफोनिस्बा कहाँ है? बता।
कहाँ है वो इस जंगल में? बता, बता, बता। ये सब इस दूर रखो, मैं बताती हूँ, बताती हूँ, बताती हूँ। बता। वो उस तरफ काले पेड़ के पीछे छुपी हुई है। And with me is Daniel McKeague from Purs Live Funerals. G'day, Daniel. Good morning. Zishan? Margir! Margir! Jadugar Sapere! Zishan aa gaya! मुझे पकड़ने के लिए जिशान आ गया। मुझे बचा मार्गे, मुझे बचा। जिशान आ गया। Of course, it's... Sofonisba, अब तुम बच नहीं सकती। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नहीं, और तुम मुझे जल्लाद के हवाले कर दोगे? हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ। वरना आबिदा और आमिल बुजुर्ग दोनों बेगुनाह मारे जाएंगे। नहीं जिशान, नहीं। Sofonisba, अब तुम बच नहीं सकती। आओ मेरे पास। नहीं, नहीं जिशान, नहीं। मैं कहता हूँ आओ मेरे पास। जिशान, जिशान ये तावीज उस पेड़ पर रख दो। फिर मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। अगर ये तावीज मेरे जिस्म से छू गया, तो मैं जल जाऊंगी। हाँ जिशान, मैं जल जाऊंगी। नहीं, नहीं, ये तावीज मेरे पास ही रहेगा। आओ मेरे पास आओ, ये तुम्हारे जिस्म से दूर रहेगा। नहीं जिशान, नहीं, ये तावीज पेड़ पर रख दो, वरना मैं भाग जाऊंगी, तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी मैं। बहुत पछताओगे जिशान, तुम बहुत पछताओगे। तावीज पेड़ पर रख दो, वरना मैं भाग जाऊंगी जिशान, मैं भाग जाऊंगी। तूने तो वादा किया था Sofonisba, तूने हमारे वादे पर एतबार किया, जिनका कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, तूने शैतान के मानने वालों के वादे पर एतबार किया। बेवकूफ कहीं का, धोखा, धोखा किया तूने मेरे साथ, मेरे साथ धोखा किया। जिशान, धोखा तो मैं तुझे शुरू से ही देती आ रही हूँ। अब अगर तूने नहीं समझा तो इसमें मेरा क्या कसूर? आज आज आधी रात के बाद तुम सबकी दावत है, शिकार तुम्हारे सामने है। मेरा शौहर जिशान, मेरे हुस्न का दीवाना शौहर जिशान। अरे सुनो भाइयों, बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर है? बहुत खुश नजर आ रहे हो। बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी अभी खबर मिली है कि हाकिम आला हमारे दरोगा जिंदान के साथ सुबह होने से पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। और जिशान भी अपनी कातिल बीवी को लेकर यहाँ पहुँच जाएगा, तो आमिल बुजुर्ग
और आबिदा भी छूट जाएंगे। जिशान अपनी कातिल बीवी सोफोनिस्बा को लेकर अभी तक नहीं पहुंचा। और तुम्हारे तोता भाईजान भी तो अभी तक नहीं आए। वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। दुआ करो बेटी, हमारी दुआएं उनकी मुसीबतों को दूर करेंगी। रात खत्म हो रही है, सुबह होने वाली है और ये हमारा आखिरी वक्त है बेटी। आओ, हमें अपना आखिरी वक्त खुदा की इबादत में गुजारना चाहिए। या अल्लाह, या अल्लाह, या खुदा मदद कर, या खुदा मदद कर, या अल्लाह मदद कर, अल्लाह मदद कर। और कितना इंतजार करेंगे? खाने की दावत कब शुरू होगी? बस थोड़ी ही देर में शुरू होगी। रात खत्म होने वाली है, सुबह होने से पहले ही हमारी दावत शुरू हो जाएगी। इधर हमारा पेट भरेगा और उधर उधर आबिदा और आमिल को मौत की सजा हो जाएगी। का वक्त हो रहा है और अभी तक शान भी नहीं आया। ना कोई सबूत मौजूद है, ना कोई गवाह है। ऐसी हालत में हम मौत की सजा को नहीं रोक सकते। दरोगाए जिंदान, हाकिम आला ने सही फरमाया। जिशान को यहाँ न देखकर मुझे भी ताजुब हुआ है। हुजूर उसे रहम की दरख्वास्त की थी और ये अर्ज किया था कि मेरी कातिल बीवी सोफोनिस्बा मेरे घर में कैद है और मेरे भाई इमरान की लाश भी मौजूद है। मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। ऐसी सूरत में मौत की सजा को रोका नहीं जा सकता। मेरी अर्ज थी हुजूर, थोड़ी सी मोहलत, थोड़ा सा वक्त और अता कर देते तो दो बेगुनाहों की जिंदगी बच जाती हुजूर। हम भी यही चाहते हैं, मगर यहाँ तो न कातिल सोफोनिस्बा है और न इमरान की लाश है, और बेगुनाही का दावा करने वाला जिशान नजर ही नहीं आ रहा है। इसलिए अब अगर मौत की सजा सजा के वक्त पर नहीं दी गई तो फिर सजा का वक्त गुजरने के बाद कानून और इंसाफ को दोबारा सजा देने का हक ही नहीं रहता। इसलिए सजाए मौत देने के हुक्म की तामील हो। Thank you.
सजाएं मौत दी जाए। सुनाई देगी और उसकी शक्ल भी दिखाई देगी। मशाल लाया जाए। मैं जिशान की बीवी सोफोनिस्बा इकरार करती हूँ कि मैंने ही अकरम जिशान के माँ बाप और उसकी बहन मासूमा का खून किया है। अब मैं इमरान को मारूंगी, फिर जिशान, आबिदा, आबिदा की माँ और आबिदा के बाप आमिर को मारने के बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। फिर मैं अपने आप को जादूगर सपेरे के हवाले कर दूंगी। ये तो बड़ी हैरत अंगेज तिलिस्मी गवाही है। ये इस बात का सबूत है कि खून सोफोनिस्बा नहीं किए है, मगर ये तो तिलिस्मी सबूत है। मुझे कातिल जिंदा सबूत की शक्ल में चाहिए, जिसका मतलब है कातिल खुद कहे कि कत्ल और खून आबिदा ने नहीं किए हैं। जुर्म कर लिया है कि जिशान के खानदान के सब लोगों को इसी कातिल सोफो ने मारा है। लिहाजा बुजुर्ग आमिल कामिल और आबिदा को रिहा किया जाता है। और कातिल सोफो निस्बा को जहर पिलाकर मौत की सजा दी जाए। मुझे जहर मत पिलाओ, मैं जीना चाहती हूँ। मुझे छोड़ दो। चुप, हरामजादे कमीनी, बदरू हुटाइन। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। पिलाओ, पिलाओ इस कमीनी को। ए जल्लाद औरत, मुझे मत मार, मैं जहर पीना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। ये जहर मुझे मत पिला, मुझे छोड़ दे। मुझे दूसरों की जिंदगी छीनने वालों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ए कातिल,
डाइल औरत, अब तू मौत से नहीं बच सकती। पी ये जहर, मुझे छोड़े। पी वरना जबरदस्ती पिला दूंगी। पी, पी, पीती हूँ, पीती हूँ। पी। अच्छा हुआ ये बला यहाँ से गई। अब तुम सब सब अपने अपने घर जाओ। नहीं, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वरना ये इंसानों का खून पीती रहेगी। ये शादियाँ करती रहेगी, घर बर्बाद करती रहेगी, लोगों का खून पीती रहेगी। ऐसी खूनी बदरू टाइम को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसी औरत को मार देना ही अच्छा है। वो सांप बनकर उड़ गई, तुम लोग उसे ढूंढोगे कहाँ? सिर्फ एक ही जगह है और वो है जादूगरनी मरीखा का तहखाना। वहां तक इंसान का पहुंचना मुश्किल है। हम पहुंचेंगे अब्बा जान, हम पहुंचेंगे। आ गई मेरी जहरीली नागन, मेरी शरारा गुल आ गई, सोफो निस्बा आ गई। कल तक तू जिशान की जिंदगी को धोखा देती चली आ रही थी और आज तो तू मौत को धोखा देकर भाग आई है। वाह, शाबाश। मगर तुम दोनों ने मेरी कोई मदद नहीं की। जब हमने देखा कि तू अपनी मदद अपने आप कर रही है तो फिर हम क्या तेरी मदद करते। तूने वो ढोंग रचाया कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि तू सांप का जहर पीकर भाग जाएगी, वरना वो तेरी गर्दन काट डालते हैं। तू चिल्ला रही थी कि तू मरना नहीं चाहती, तू जहर नहीं पीना चाहती, और उन्होंने तुझे सांप का जहर पिला दिया। तेरा ढोंग कामयाब हुआ और तू वहाँ से भाग निकली। फिर हम क्या तेरी मदद करते। मगर अब तो कुछ करो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अगर वो अल्लाह वाला आमिल, उसकी बेटी आबिदा यहाँ आ गए तो वो अपने पाप जलाली इल्म से वो शैतान की बेटी को जलाकर राख कर देंगे। क्या ख्वाब की बातें करती है सोफोनिस्बा, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर आमिल और आबिदा यहाँ कैसे आ जाएंगे? हाँ चालाक लोमड़ी, तू इस घमंड में मारी जाएगी और अपने साथ मुझे भी मरवा डालेगी। चुप रह डरपोक गायन, अब क्यों डरती है तू? अब तो तेरी दोस्ती मौत से हो गई है। अरे बेवकूफ जादूगरनी मरीखा, मौत जिसकी दोस्त होती है जिंदगी उसे नहीं मिलती, तू समझती क्यों नहीं? मौत ने एक बार मुझे छोड़ दिया मगर वो आबिदा वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने उससे उसका होने वाला शौहर, उसका घर छीना था, अब वो मुझे मौत की नींद सुलाकर ही चैन की नींद सोएगी। देख देख अपने तिलस्मी आईने में कि वो आबिदा, आमिर और जिशान क्या कर रहे हैं। हाँ ये ठीक कह रही है, देख जल्दी जाकर देख अपने तिलस्मी आईने में। People seem to shy away from people who are grieving. Yes, that's an interesting fact. Alif Laila. Well, thank you. Hot
तू मेरे जाल से बच नहीं सकता। मैं तुझे अभी कैद करता हूं। से मिलना चाहता हूँ। आबिदा और आमिल बेगुनाह है। मैं उन बेगुनाहों को मौत की सजा से बचाना चाहता हूँ। खुदा के लिए मुझे हाकिम आला से मिला दो। उनसे जाकर कहो कि जिशान आया है, गुनेगार जिशान आया है, गुनेगार। जाओ बिरादर जाओ। सुनो बिरादर जिशान, तुम्हारा एहसान होगा बिरादर, एहसान होगा। जाओ। सुनो बिरादर सुनो, हाकिम आला इस वक्त महल में नहीं है। नहीं है? हाँ बिरादर जिशान, वो शहर रमला गए हैं। शहर रमला गए हैं? कब आएंगे बिरादर, कब आएंगे? कुछ मालूम नहीं। कुछ मालूम नहीं? कुछ मालूम नहीं तो मालूम करो बिरादर, मालूम करो। हाफिता और आमिल की जिंदगी का सवाल है, वो दोनों बेगुनाह है। बताओ बताओ, वरना परसों उन्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। बताओ, सिर्फ सिर्फ कल का दिन बीच में है। बताओ, खुदा के लिए बताओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता बताओ, बताओ बिरादर। हम चाहते हैं कि वो बेगुनाह इंसान मौत से बच जाए, लेकिन खुदा की कसम किसी को कुछ मालूम नहीं कि वो शहर रमला से कब आएंगे। हाँ, अगर दारोगा जिंदान से मिलकर तुम फरियाद कर सको तो शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। हाँ, 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 अच्छा दारोगा जिंदान, अच्छा अच्छा। ऐ दारोगा जिंदान, तेरे कैद खाने में आमिल बुजुर्ग और आबिदा दो बेगुनाह इंसान है जिन्हें मौत की सजा होने वाली है। वो सजा उन्हें तूने दिलवाई है देशान। लेकिन अब मुझे मालूम हुआ मैं गलती पर था। आबिदा बार बार मुझे खबरदार करती रही, लेकिन मेरी आंखों पर सोफोनिस्बा के नापाक हुस्न के ऐसे पर्दे पड़े हुए थे कि सोफोनिस्बा के अलावा मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता था। मुझे सोफोनिस्बा सच्ची और सारी दुनिया झूठी नजर आती थी। इसीलिए आबिदा और आमिल को कातिल समझकर मैंने हाकिम आला के सामने सबूत पेश किए और उन्हें मौत की सजा दिलवाई। तो फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आबिदा और आमिल बुजुर्ग बेगुनाह हैं? इमरान, मेरा छोटा भाई इमरान, सोफोनिस्बा ने उसे भी मार डाला और मरते हुए इमरान ने मुझे सब कुछ बता दिया। यह सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। हाँ, मैं मुजरिम हूं, मैं कातिल हूं। एक गंदी औरत के हुस्न में इतना अंधा हो गया था मैं कि मैंने आबिदा जैसे जन्नत की हूर को ठुकरा दिया और जहन्नुम की सजा पाने वाली औरत से शादी कर ली। मैं अपने आप को इतना गिरा हुआ जहील इंसान समझता हूं कि आबिदा और आमिल बुजुर्ग से नजरें मिलाना तो दूर, मैं उनके पैरों की मिट्टी को भी सर से लगाने के लायक नहीं हूं। तुम्हें फौरन हाकिम आला से मिलना चाहिए। लेकिन हाकिम आला बाहर गए हुए हैं और ये मालूम नहीं कि वो कब वापस आएंगे। अगर उनके आने में देर हो गई तो दो बेगुनाह इंसानों को मेरी वजह से मौत की सजा दे दी जाएगी। जब तक हाकिम आला ना आ जाए, मौत की सजा को रुकवा दो। नहीं जेशान, मुझे अफसोस है, सजाए मौत को रुकवाने या उसे देर से दिलाने का इख्तियार मुझे नहीं है। मैं तो सिर्फ हाकिम आला के हुक्म का गुलाम हूं। ऐ रहम दिल दारोगा जिंदान, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुझसे रहम की भीख मांगता हूं। अल्लाह की राह में ये नेकी कर दे, अल्लाह इस नेकी का फल तुझे जरूर देगा। तू नेक बेगुनाह इंसानों की जिंदगी बचा ले, बचा ले इंसानियत के मुहाफिज, बचा ले। तेरा एहसान मुझ पर, इंसानियत पर, कानून और इंसाफ पर एहसान होगा। इस वक्त मौत के भंवर में फंसी हुई दो बेगुनाह इंसानों की जिंदगी का ना खुदा तू है, तू है ना खुदा। बचा ले उन्हें, बचा ले। मैं उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा, ये मेरा एहसान नहीं, मेरा फर्ज है। सच्चाई, बेगुनाही।